जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है वो बहुत ही रोमांचक मैच होता है, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि मैच को मैच की तरह ले, मैच के बाद जो है जिस तरह से मैच खत्म होता है आपसी दंगे ना भड़काए। लेकिन आपको बता दें कि रात को जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर अब बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको मैं मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज की तस्वीरें बता रही हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अभी पूरे छात्र जो है वो बाहर की तरफ आए हैं और छात्रों का क्या कहना है वो भी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, यहाँ पर हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर जो है आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए, जम्मू में रहते हुए यहाँ पर नारे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे हैं, तो छात्रों में जो है काफी ज्यादा रोष है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो कल रात को था, लेकिन उसके बाद इस तरह से माहौल में जो खराबी है वो यहाँ पर आई है, तो बात जो है वो करने की कोशिश भी करते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक कॉलेज का फ्रंट गेट है जहाँ पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो देर रात को हुआ था, लेकिन बार बार कहा जाता है कि मैच को जो है आप मैच की तरह से ले, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन आज तस्वीरें जो है मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज की तस्वीरें हैं, जिसे हम जम्मू का MAM कॉलेज कहते हैं और बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अपोजिट ये कॉलेज है। और आप इससे पहले इस तरह का माहौल जो है काफी बार कश्मीर में भी देखा गया था, लेकिन आज ये तस्वीरें जो है ये कश्मीर की तस्वीरें आप नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है ये आप जम्मू बुलेटिन के माध्यम से, और ये जम्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अभी ये तस्वीरें मैं आपको रोड की बता दूं कि रोड पर भी जो है वो हल्का हल्का ट्रैफिक जो है वो धीमा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉलेज के बच्चे थे वो निकलकर बाहर आ चुके हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनमें रोष जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपनी कंट्री से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना हर कोई चाहता है, और अपने देश में जो है किसी और देश की जो है वो अगर कोई किसी के नारे लगाए तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, जिस तरह से आपको बता दें कि जो यंगस्टर है उनमें बहुत जज्बा है अपने देश को लेकर, अपने देश के प्रति जो है उनमें वो भावना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के बाद में जो है यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा कैमरा इस तरफ का किया जाए तो चलिए आपको थोड़ा सा कॉलेज की प्रीमिसेस की भी तस्वीरें दिखा देते हैं कि अंदर से किस तरह से बच्चे जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। अभी जो हाल ही में जब यहाँ पर पहुंचे तो बच्चों से पूछने की बात हुई, तो बच्चों से पूछा गया तो उनका यही कहना था कि क्लासरूम में जो है क्लासेस चल रही थी, क्लासेस चलते हुए जो है वो इस तरह से जो है यहाँ पर हुआ है। तो ये तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल ठीक यूनिवर्सिटी के अपोजिट जो MAM कॉलेज है वहां की दिखा रही हूँ। तो तस्वीरें आप देखते हुए ये समझिए कि युवाओं में जो है वो जोश है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो अपने देश के लिए जीना है। जब हम किसी स्कूल में जाते हैं या जब हम तालीम हासिल करते हैं, जो अपने देश से प्यार नहीं करता, जो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता, तो किसी से जो है वो मोहब्बत नहीं कर सकता। तो ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद की तस्वीरें, पाकिस्तान मुर्दाबाद की तस्वीरें जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद की तस्वीरें जो है यहाँ पर जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग यंगस्टर्स की बात करते हैं, वो उन्हें रोकने का जो है वो प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वहां पर जो है वो जाम की स्थिति जो है वो लग रही है, लेकिन नौजवान जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, कॉलेज की प्रमिसेस से जो है वो बाहर आ रहे हैं और कॉलेज का प्रमिसेस जो है वो लगातार खाली होता हुआ जा रहा है। और जितने भी यंगस्टर्स जो है वो कॉलेज के जितने भी बच्चे थे जो अंदर क्लासेस जितने भी अंदर थे जो क्लासेस लगी हुई थी, कॉलेज का प्रमिसेस जो है वो लगभग खाली होता हुआ जा रहा है और साथ ही सारे जो है स्टूडेंट्स बाहर की तरफ जो है आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बाकी सबसे बात हो रही थी उनका भी यही कहना था कि अभी जो है क्लासरूम में क्लास जो है वो चल रही थी, जो आधे बच्चे हैं उनको इसके बारे में जो है अभी तक पता नहीं था, लेकिन बच्चों को जो है वो पता नहीं था इसके बारे में।
और जहां तक मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस की तैनाती जो है वो यहीं पर है, पुलिस यहां पर है, पुलिस की गाड़ी यहां पर है, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स जो है उनके लिए जिस तरह से एक बता दें कि बिल्कुल वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और बिल्कुल जिस तरह से बात कर ले अपने देश से प्यार करने वाला युवा जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके देश में जो है वो किसी और मुल्क के जो है वो नारे लगाए जाए। और जिस तरह से आपने देखा था कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, और जिस तरह से आपको बता दें कि तब भी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तैनात थी, क्योंकि मैचेस के दौरान अक्सर ऐसी चीजें जो है वो होती रहती है, लेकिन जब भी हम लेकिन देखिए पुलिस की जो है और गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची है। कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर जाने के लिए पुलिस की जो है और गाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया है, और ज्यादा फोर्स को बुलाया गया है, और ज्यादा फोर्स जो है वो यहाँ पर पहुंची है, जो सीधा बता दे आपको MAM कॉलेज के प्रीमिसेस के अंदर जो है वो जा रही है। ये अंदर के विजुअल्स हैं जहां तक पुलिस जा रही है, आगे जो है वो हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो है वो हमारे प्रीमिसेस में नहीं आता। लेकिन एक बार जो है मैं आपको अंदर के जरूर विजुअल्स दिखाऊंगी कि अंदर भी कितने जो है वो बच्चे मौजूद हैं, या अंदर किस तरह की स्थिति जो है वो चल रही है। अभी 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 आपको बता दें कि इसके अंदर का जो एरिया है वहां पर हम जो है अंदर की बात करते हैं वो अंदर की बात आपको बता देते हैं कि अंदर जो है अंदर का प्रीमिसेस जो है वहां पर हमें जो है वो इजाजत नहीं है दिखाने की। तो यहां पर जिस तरह से ज्यादा हिजूम भी इकट्ठा हो रहा है, और जिस तरह से बात की जाती है यहां पर, देखिए भारत माता की जय, बिल्कुल हिंदुस्तान में रहते हैं तो भारत माता की जय का जो है वो गुणगान जो है वो हमें जो है वो करना है, वो हमें करना है। और यहाँ से जिस तरह से ये भी आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के MAM कॉलेज से हैं, और वी लिव फॉर अवर कंट्री, और इस तरह से भी जो है यहाँ पर बच्चों को बोलते हुए सुना जा रहा है। बिल्कुल जो हमारा नेशन है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पे, देखिए कॉलेज के गेट को जो है वो बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंदेशा ये हो रहा है कि माहौल में जो है वो गड़बड़ी आ सकती है, माहौल जो है वो खराब हो सकता है, और माहौल जो है वो बिगड़ भी सकता है। लेकिन हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है, और पुलिस की एक गाड़ी जो है वो अंदर भी गई है, और ज्यादा फोर्स को बुलाया गया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि बिल्कुल अपने देश का नमक खाने वालों को मोहब्बत जो है वो अपने देश से होनी चाहिए, अपने देश के लिए जो है वो जज्बा होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने ही जो मेन गेट मेन एंट्रेंस है, पुलिस ही उसे जो है काफी उसे बंद किया है, और उस प्रमिसेस की विजुअल्स दिखाना अलाउ नहीं है। जितना जो है वो गेट से दिखता है उतना जो है वो आपको बता देते हैं कि इतना ही अभी दिखा पा रहे हैं। हालांकि यहाँ से अंदर जो है वो ग्रुप्स में टोलियां नहीं जा पा रही हैं, जो टोलियां हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर कि बाहर आ सकते हैं आप, लेकिन अंदर जो है वो आप नहीं जा पा रहे, अंदर के विजुअल्स जो है वो आप नहीं दिखा पा रहे। और गुस्सा, नौजवानों में गुस्सा है, और नौजवानों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, और नौजवान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल रोष में है। ये नौजवान और नौजवानों को होना भी चाहिए, क्योंकि भारत माता की जय का जो है वो हमें गुणगान करना है, और भारत माता की जय ही हमें कहना है। और बिल्कुल वो भी आप तक रखते हैं कि किन्होंने ये नारेबाजी की है, क्योंकि अगर खबर का मेन मकसद यही है कि नारेबाजी जो है, देखिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है। सर क्या नाम है? मेरा नाम साकेत सिंह राठौर। नारे किसने लगाए? नारे एक BA 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसी ने ये नारे लगाए हैं। कहाँ का रहने वाला? मैम यहीं ऊपर बठिंडी साइड का रहने वाला, और उसका कुछ आउटसाइडर्स आकर के यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की है। पहले भी यहाँ पे देखा गया है कि MAM कॉलेज में यहाँ पे ऐसी गतिविधियां हुई है जिसका रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल ने सख्त कार्रवाई की होती प्रीवियस पास टाइम्स में, तो यहाँ पे आज इन फ्यूचर ये चीजें नहीं होती। आप कह रहे हैं ना आउटसाइडर्स हैं, क्या वो अंदर आए या किस तरह? अभी भी वो अंदर, आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में उनका ग्रुप एक खड़ा है। तो इस तरीके की चीजें अगर फ्यूचर में भी होंगी तो ये राष्ट्र की एकता के खिलाफ है और अखंडता के खिलाफ है। बिल्कुल राष्ट्र की एकता के खिलाफ। और ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक युवक है, और आउटसाइडर जो है वो अंदर आए थे, यानी आउटसाइडर के साथ जो है इस तरह का हुआ है, और वो जो नौजवान है जो यहाँ पर थे उनको भी यहाँ से जो है वो लेकर गए। और सर जिस तरह से आपने कहा कि वो अभी भी अंदर ही है, उन्हीं की वजह से माहौल खराब हुआ, उन्हें बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा? मैम देखिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
इसी वजह से उनको बाहर नहीं लिए जा रहे। अगर रिटर्न कंप्लेंट स्टूडेंट्स ने दी थी, क्यों उन्होंने फॉरवर्ड नहीं की? पुलिस से पहले कब दी थी? मैम अभी ये सुबह भी उनको दी हुई है, इतना टाइम हो गया। तो ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल खराब हो, यहाँ पे माहौल खराब हो ताकि इनके लिए मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी रहे। अगर इन्होंने पहले पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि एमएएम कॉलेज से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पुलिस फोर्स को जो है यहां पर बुलाया गया है। और इससे पहले बता दें कि जो यहां के कॉलेज के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो गुट बाहर से आया था वो अभी भी अंदर मौजूद है, अगर वो गुट अभी भी अंदर मौजूद है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और जिस तरह से ये छात्र कह रहे हैं कि पहले रिटर्न में कंप्लेन दी गई थी, तो रिटर्न में जब कंप्लेन दी गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अपने ही मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क का गुणगान करना ये कहां तक सही है? और यहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी यहाँ हमारे संविधान के अनुसार कार्रवाई बनती होगी वो जरूर करनी चाहिए पुलिस को, और पुलिस को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। जहाँ पर आप देखिए किसी तरह के मैटर से जो है वो माहौल खराब होता है, आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। आप भी इस मुल्क के निवासी और इसी मुल्क में रहते हैं, इसी देश का नमक खाते हैं, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज।